अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोगों के? आज हम लोग है वो एक्विजिशन टॉपिक के अंदर ये एक सब टॉपिक है, उसको थोड़ा देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक जो है वो बेसिकली है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो इसमें जो बेसिक मकसद होगा इस पूरी डिस्कशन का, वो यही होगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, उनको एक हायर लेवल के ऊपर देख लेंगे। और जो मुख्तलिफ टाइप के एडीसीज हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कुछ टोपोलॉजीज क्या हैं और किस तरीके से जो है वो एडीसी जो है वो काम कर रहा है, इसके बारे में जो उससे रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी एडीसी को सेलेक्ट करने के लिए, उनको हम जो है वो देख लेंगे। इसके लिए हमने अगेन यही जो है वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है, ड्यूसॉफ्ट का, जिनके एटीसीज अपने भी हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, बट नेवरदलेस ब्रॉडर सेंस के ऊपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक एडीसी के सिलेक्शन के लिए वो यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है वो हम डिस्कशन में लेके आएंगे। ये एडीसी फीचर्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज इनकी क्या हैं, सैंपल रेट क्या होता है, ठीक है, सैंपल रेट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये एलियासिंग, आपने एलियासिंग जो है ये पढ़ा होगा अपने सिग्नल सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्ली। तो इसके अलावा जो इनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिग्नल एडीसी चैनल्स हैं, मुख्तलिफ ये सिग्नल्स के लिए जो है वो यूज़ हो रहे हैं एडीसीज, इनकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बेसिकली क्या है? इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। तो द मेन पर्पस ऑफ ए टू डी कन्वर्टर विद इन अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज टू कन्वर्ट कंडीशन एनालॉग सिग्नल इनटू ए स्ट्रीम ऑफ डिजिटल डेटा सो दैट द डेटा एक्विजिशन सिस्टम कैन प्रोसेस देम फॉर डिस्प्ले, स्टोरेज एनालिसिस और फॉर एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, तो एडीसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटा एक्विजिशन सिस्टम का या एक डेटा लॉगर का। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द वर्ल्ड इज बेसिकली एनालॉग। ठीक है, सो वेदर इट्स माय वॉइस, वेदर इट्स द टेम्परेचर राइट नाउ, वेदर इट्स ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड, एवरीथिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर आप दो स्पेस के अंदर दो उंगलियां अपनी उठाएं और दो मुख्तलिफ उंगलियां जो हैं वो मुख्तलिफ डेटा जो है वो उनको गैदर करवा रही है, वेदर इसकी ओरिएंटेशन है, इनका एल्टीट्यूड है, इनकी पोजीशन है, इन पे ह्यूमिडिटी का लेवल है, इन पे टेम्परेचर का लेवल है, इनका किसी स्पेसिफिक रेफरेंस से कोई पॉइंट है, तो एवरीथिंग इज बेसिकली एनालॉग डेटा। ठीक है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, दे आर नॉट एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, सो एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज बेसिकली एन एनालॉग सिग्नल, एंड देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, अ मेथड, अ डिवाइस, अ प्रिंसिपल थ्रू व्हिच दिस एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल डेटा। ठीक है, एंड हेंस वी यूज बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स टू परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, तो की एडीसी फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज क्या है हमारे पास? एवरी टेक्नोलॉजी हैज फीचर एंड कैपेबिलिटीज दैट ड्राइव इट्स यूज इन द मार्केट। एडीसीज दिस इज द थिंग एज वेल। तो सैंपल रेट इज हाउ फास्ट कैन एन एडीसी कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, एंड सेकंड थिंग इज बेसिकली बिट रेजोल्यूशन, हाउ मच प्रिसीजन कैन एन एडीसी कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स हैं कि जब आप एक मार्केट में लेने जाएंगे कोई सिस्टम जो बेसिकली आपने डिसाइड करना है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर उसके लिए डिसाइड में आपको हेल्प आउट करने होंगे, एक सैंपल रेट है और एक है हमारे पास रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सैंपल रेट के अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो ये है कि सैंपल रेट एट द सिग्नल्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग डोमेन टू अ स्ट्रीम ऑफ डिजिटल डाटा इज कॉल्ड द सैम्पल रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। देर इज नो राइट और रॉन्ग हेयर, इट सिंपली डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन फॉर
फॉर एग्जाम्पल अ बैरोमीट्रिक प्रेशर चेंजेस वेरी स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मिनट्स और आर, सो यू रियली डू नॉट नीड टू सैम्पल इट मोर देन वंस पर सेकेंड. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर अ रेडार सिग्नल और अ रेडार सिग्नेचर, यू नीड टू सैम्पल हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड और परहैप्स इवन इन टू बिलियंस ऑफ सैम्पल्स पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है जो ब्लैक लाइन के साथ आपको नजर आ रहा है. ठीक है, दिस इज बेसिकली यू कैन से दो कोई रियल पॉइंट्स के दरमियान जो डाटा होता है वो हमारे पास, हमने बताया था कि वो बेसिकली इनफिनिट होता है, यानी वन और टू के दरमियान कितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग द डेसिमल और जो भी आप उसके मल्टीसिमल में जाएं, तो यू कैन नॉट काउंट बिटवीन टू नंबर्स इवन, जीरो से फिर 0.00001, 0.00, कितनी आप रेजोल्यूशन तक जाएंगे. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वो हम एनालॉग सारे के सारे डाटा को कैप्चर नहीं कर सकते. ठीक है, हम क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट जो होते हैं उनके ऊपर हम डाटा को ले लेते हैं. ठीक है, दीज आर लेकिन जो सैंपल्स होंगे, यानी मैं इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक सैंपल ले लिया, फिर मैंने डेल्टा टी प्लस वन के ऊपर एक सैंपल ले लिया, डेल्टा टी प्लस टू के ऊपर एक सैंपल ले लिया. ठीक है, जो मुझे क्या करके देगा, उस वैल्यू को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगा, मैं डिस्क्रिटाइज कर दूंगा उस वैल्यू को. और ये सैंपल जो रेट है इसमें राइट और रॉन्ग का उसने यही बताया कि डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. तो अगर आप टेम्परेचर को देख रहे हैं, एक सर्दियों में टेम्परेचर है, तो अगर वो 5 डिग्री सेल्सियस है तो अगले एक घंटे बाद जो है वो 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा और जो बीच की वेरिएशन होगी वो स्लोअर होगी. ठीक है, या जो इन्होंने जिस तरह बैरोमेट्रिक टेम्परेचर प्रेशर बताया, चेंज इज वेरी स्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर आप किसी सिग्नल या आपका एक जहाज को कैप्चर करने के लिए एक रडार का सिग्नल है, तो आपको बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी. अगेन जहाज है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, उतनी तेजी से वो सिग्नल चेंज हो रहा होगा और आपको उतनी ज्यादा सिग्नल्स को जो है वो देखना पड़ रहा होगा, सैंपल करना होगा. तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग रेट होगा वो फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, वो आप फिर एक सेकेंड में तो उसको फिर कैप्चर नहीं करेंगे. ठीक है, तो इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एक्विजिशन वी मेजर एसी वोल्टेज एंड करंट, शॉक, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, स्ट्रेन, प्रेशर, मेनी थिंग्स. ठीक है, दीज सिग्नल्स एंड सेंसर रिक्वायर सैंपल रेट्स इन रेंज ऑफ डीसी टू मे बी 200,000 सैंपल्स पर सेकेंड, 200 किलो सैंपल पर सेकेंड ऑन एवरेज, वाइल अ फ्यू एप्लीकेशन रिक्वायर सैम्पलिंग अप टू 1 मेगा सैंपल्स पर सेकेंड. ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन में, तो ये दो 200,000 से लेके 1 मेगा सैंपल पर सेकेंड तक भी ये चीज़ जा सकती है. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग योर सैम्पलिंग रेट, हाईएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट. तो आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. ठीक है, सो इफ यू एक्सपेक्ट एक्सपीरियंस वाइब्रेशन विद अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, we must set the sample rate to at least double. This is basically what is called the Nyquist criteria or Nyquist frequency. जो भी आपकी sampling frequency, यानी जो highest frequency है आपके एक system में, आपको अपने sampling जो होगी उससे double रखनी पड़ेगी, reconstruct the signals. Otherwise क्या होगा, आपका signal जो है वो important information को miss कर जाएगा. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये scenario होता है, हम मिस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास अलायजिंग जो होती है वो बेसिकली हो जाएगी और विच विल बेसिकली बी अ लॉस ऑफ द डाटा. ठीक है, सो थ्योरेटिकली एवरी शुड थिंग शुड बी फाइन, बट हाउ डू वी नो दैट द सिग्नल डिडंट रियली गो मच हायर इन फ्रिक्वेंसीज एंड कंसिडरेबल एम्पलीट्यूड. बेसिकली ये है हमारे पास कि अगर हम सिग्नल हमारा सही तरीके से हमने कैप्चर नहीं किया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी. यानी दो पॉइंट्स थे, फर्स्ट कि आपका सैम्पलिंग रेट जो है वो स्लो है. ठीक है, आपने इस पॉइंट के ऊपर सैंपल किया, फिर आपने इस पॉइंट के ऊपर सैंपल किया, यानी आप इस तरह पॉइंट्स ले रहे हैं. तो जो आप जब आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये बेसिकली सिग्नल यूं जाएगा, ये सिग्नल यूं जाएगा, यूं जाएगा, और उसके बाद ये सिग्नल डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा. आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक पॉइंट भी इसमें से मिस कर दें, तो हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही होगी वो किस तरह हो रही होगी. रिकंस्ट्रक्शन हमारी फिर इस तरह, अगर हम एक सैंपल पॉइंट मिस कर रहे हैं, ठीक है, हमारा सिग्नल जो है ओरिजिनल शक्ल को वो चेंज कर लेगा. ठीक है, तो
दिस इज द रीजन कि हमारे जो है वो सैंपल रेट जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू टेक फॉलो एटलीस्ट द नेक्वेस्ट क्राइटेरिया कि हम इसको जो है सिग्नल को फॉलो कर सकें. ठीक है, यानी ये इन्होंने यही चीज़ बताई है कि ओरिजिनल सिग्नल जो है वो हमारे पास अगर हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट अ फॉल्स सिग्नल एलाइज इन ब्लैक कॉज बाय द सैम्पलिंग टू इनफ्रीक्वेंटली कंपेयर टू द ओरिजिनल सिग्नल. ठीक है, सो फॉल्स सिग्नल इज बेसिकली इज इन दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल द रेड वन, लेकिन जो आपके सैम्पलिंग पॉइंट्स हैं वो ब्लैक पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो आपका जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है वो कुछ इस तरह ब्लैक सा हो रहा है. ठीक है, वेयर एज द ओरिजिनल सिग्नल वॉज द रेड सिग्नल. ठीक है, सो सैम्पलिंग हमें जो है वो हमें पास रखनी पड़ेगी. इसका बेसिकली मकसद ये है कि जब आप एक एडीसी चूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरा सिग्नल कितनी जल्दी चेंज हो रहा है. ठीक है, अगर आपका सिग्नल बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो आपको फिर अपना एडीसी को उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये एडीसी क्या उतनी जल्दी मेरे सिग्नल को कैप्चर कर सकता है या नहीं कर सकता. अगर तो कर सकता है वेल एंड गुड, हमारी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट वी आर यूजिंग इन आवर प्रोजेक्ट और सिमुलेशन दे आर स्लो चेंजेस. ठीक है, हम इतने फास्ट चेंजेस को नहीं पकड़ रहे. ठीक है, लेकिन अगर हम फास्ट चेंजेस को पकड़ रहे हो, जिस तरह अगर मैं फर्ज करूँ मैं आपको कहूँ कि माइक इज ऑल्सो अ सेंसर, इज इट, माइक है सेंसर, माइक सेंसर है. ठीक है ना, माइक जो है वो एक सेंसर है जो वॉइस को बेसिकली ले रहा है, एक एक्यूस्टिक को ले रहा है और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ सिग्नल. ठीक है, जिसको आप बेसिकली क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक वेरिएशन को आप देख सकते हैं, तो वॉइस इज अ सिग्नल. ठीक है, लेकिन अगर आपका एडीसी स्लो है और मैं बोल रहा हूँ लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी सैम्पलिंग कम है, तो क्या होगा, मेरी आवाज जब आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई वॉइस और यू बहुत तेज हो जाएगी. ठीक है, जिस तरह अक्सर आपके पास जब आप लो क्वालिटी MP3 को सुन रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सैम्पलिंग रेट जो होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है. ठीक है, और उसके कम होने की वजह से क्या होता है कि जो उस चीज के अंदर सारी जो उस के अंदर यानी आवाज की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. लेकिन उसके डिक्रीज होने के साथ साथ आपको जो डाटा है वो भी ज्यादा मिल रहा होता है. उसी CD के अंदर आपके मे बी 10,000 जो है वो आपके सॉन्ग्स आए हुए हो MP3 के ऊपर, लेकिन अगर आप क्वालिटी के ऊपर जाएं, HD के ऊपर जाएं, साउंड सराउंड टाइप की जो आपके पास हाई क्वालिटी डाटा फॉर्मेट्स होते हैं उनके ऊपर जाएं, तो जितना आप जो है वो वहां पे ज्यादा डाटा स्टोर कर रहे थे उतना ही कम जो है वो यहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा होगा. तो सैम्पल रेट बेसिकली मैटर्स हेयर एज वेल. इतना बहुत जो अच्छे किस्म के साउंड सिस्टम्स होते हैं वहां पे भी आपको देखते हैं कि आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे वो आपके पास बोलने वाले की होती है, लेकिन अगर लो क्वालिटी सस्ते आपके पास होंगे तो वो फिर क्या होगा, आवाज आपकी उस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं होगी. यानी ये एक इफेक्ट ऐसा है सैम्पलिंग का जो आप अपने जो है वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए बेसिकली है कि हम वी यूज एंटी अलियासिंग फिल्टर और इसके अंदर हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं कुछ टेक्निक कि हम इस सिग्नल को पहले से ही बेहतर कर लें. दो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टॉपिक दैट विल बी अंडर कंसिडरेशन फॉर दिस टॉपिक. ठीक है, सो बिट रेजोल्यूशन सेकेंड थिंग है. पहली चीज थी सैम्पल रेट और सेकेंड थिंग वॉज बिट रेजोल्यूशन. सो बिट रेजोल्यूशन क्या है कि विद द सैम्पल रेट एज डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन इन्वॉल्व द टाइम फॉर टाइम और एक्स एक्सिस फॉर आवर डिजिटल डेटा स्ट्रीम, बिट रेजोल्यूशन और अ नंबर ऑफ बिट इन्वॉल्व द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाई. इन अर्लियर डेज ऑफ डेटा एक्विजिशन 8-bit ADCs वर कॉमन एज ऑफ द वायर राइटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ DAC सिस्टम. 24-bit ADCs आर स्टैंडर्ड अमंग मोस्ट डेटा एक्विजिशन सिस्टम डिजाइन टू मेक डायनामिक मेजरमेंट्स एंड 16-bit ADCs आर कॉमनली कंसिडर्ड द मिनिमम रेजोल्यूशन फॉर सिग्नल इन जनरल. दे आर सम लो एंड सिस्टम दैट यूटिलाइजेस 12-bit ADCs एज वेल. ठीक है, सो बिकॉज ईच बिट रेजोल्यूशन इफेक्टिवली डबल्स द पॉसिबल रेजोल्यूशन, सिस्टम विद 24-bit ADC विल हैव दिस नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, दस इनकमिंग 1 volt सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इंटू मोर देन 16 million स्टेप्स ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, तो कहने का इसका बेसिक मकसद ये है कि जब आपके पास जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं, जो अच्छे डेटा होंगे डेटा एक्विजिशन सिस्टम, उनके अंदर ADC जो आजकल आ रहा होगा, जिस हम NI का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, उनके जो सेंसर्स हैं वो 24-bit ADC को यूज करें. 24-bit ADC के ऊपर हमें एक
वोल्ट के लिए भी हमें जो स्टेप्स मिल रहे हैं, आप इसकी पावर निकाल सकते हैं लाइक 16 मिलियन स्टेप्स ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, आपका जो भी सिग्नल, अगर आपने 0 से 5 वोल्ट का सिग्नल को वहां पे दिया है, तो वो 0 से 5 वोल्ट के सिग्नल को डिवाइड कर देगा इतने नंबर ऑफ मिलियन ऑफ स्टेप्स में। यानी आप जो भी वोल्टेज होगा, जो छोटा सा चेंज होगा, आप उसको भी डिटेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसा हमारा जो हम एडीसी यूज कर रहे हैं, जो एक सस्ता किस्म का एडीसी है जो ऑर्डिनो के साथ बिल्ट इन आ रहा है, दैट इज बेसिकली अ 10 बिट एडीसी। ठीक है, वो कितने आपके डिवाइड कर रहे हैं स्टेप को, 5 डिवाइडेड बाय 104। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली यही बात कर रहे थे कि अगर हम जाते हैं ऑर्डिनो के अंदर, तो 5 डिवाइडेड बाय 1024 जो हमारे पास नंबर बन रहा होगा, वो तकरीबन 5 मिली वोल्ट का होगा। तो एक जो सिग्नल का वोल्टेज का चेंज आएगा, ये आपके पास बेसिकली आप समझ लें, अगर चेंज है एक नंबर के अंदर, ठीक है, और ये आपके पास आ रही है एक्सेस, तो ये एक स्टेप जो होगा ऑर्डिनो के अंदर, आप 5 मिली वोल्ट से नीचे के सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका एडीसी की रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी, ये ज्यादा जो है वो स्टेप्स में डिवाइड होता जाएगा आपका सिग्नल, आप ज्यादा फाइनर रेजोल्यूशन को ले सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं जो यूज हो रहे होते हैं, उसमें ये कोशिश करते हैं कि अगर 24 बिट का नहीं है तो 16 बिट का यूज कर लें, और अगर 16 बिट का नहीं है तो 12 बिट तक यूज कर लें। 12 बिट भी आपके पास 4096 बनेगी, बहुत ही जो लो एंड की आपके पास हैं सिग्नल्स, जिस तरह टेम्परेचर सिग्नल्स हैं, ह्यूमिडिटी सिग्नल्स हैं, या जो हमारी डोमेन में सिग्नल यूज हो रहे हैं, इसके लिए 10 to 12 बिट इज मोर देन एनफ। लेकिन जो हाई एंड एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए फिर आपको मिनिमम 16 बिट रखना पड़ेगा, और द गुड थिंग विल बी कि आप 24 बिट का सिग्नल यूज करें। अब हमारे पास अगर ये और एक लेट से फर्ज किया एक ऑरेंज सिग्नल जो है वो ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है, और इसको हम जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 12 बिट एडीसी। ठीक है, और इसमें जो चेंज आ रहा है इस सिग्नल के अंदर, आप देख सकते हैं, ये फर्ज के हम कहते हैं 4.99 से लेके 4.9976, ये बेसिकली इसके अंदर अगर लेट से इसको हम कंसिडर करते हैं एक वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो चेंज ये जो है वही बहुत ही स्लो चेंज इसके अंदर है, और बहुत ही माइन्यूट वोल्टेजेस के अंदर आ रहा है। अगर आप 12 बिट के एडीसी से इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आपको इस तरह का जो है ना बता के दे देगा कि ये सिग्नल आपका बना है, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा छोटा स्टेप साइज है नहीं। ठीक है, और अगर आप जाते हैं बेसिकली 16 बिट के अंदर, तो फिर ये जो है आपको कुछ स्टेयर केसेस जो है वो बना के दिखा देगा, अप्रोक्सीमेट करके दे देगा। लेकिन इफ यू यूज लेट से 24 बिट का आप एडीसी यूज करें, तो ये बहुत ही फाइन तरीके से आपको सिग्नल को मैप करके दे देगा, और ऑलमोस्ट जो है ये एक ओरिजिनल शक्ल ही आपको सिग्नल की नजर आ रही होगी। दो दिस सिग्नल इज बेसिकली डिस्क्रीट। अगर आप इस सिग्नल को ऑसिलोस्कोप पर बहुत ज्यादा जूम करेंगे, तो आपको जो स्टेयर केस होगी वो बहुत ही फाइन नजर आ रही होगी, बट अगेन दैट विल बी जो चेंज होगा वो बहुत ही छोटा चेंज आपका जो है वो ये डिटेक्ट कर पा रहा होगा। 24 बिट का जो एडीसी होगा उसके मुकाबले में 16 बिट जो है वो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम होगी, और 12 बिट जो है, अगर आपका सिग्नल बहुत माइन्यूट है, तो मे नॉट बी वेरी गुड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो ये इनके हैं, ये इनको बेशक हम इन टॉपिक को स्किप ऑफ कर देंगे, आप देखना चाहें देख सकते हैं कि ये इनके जो एडीसी हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिग्नल सिंगल चैनल एडीसी। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अपने डीएलडी के अंदर। ठीक है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स भी हो सकते हैं, और उनका मकसद भी वो ही होगा जो वहां पे आपके पास है डीएलडी के अंदर। तो वेरी ऑफन इन लोअर एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम सच एज डेटा लॉगर और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, मल्टीप्लेक्स एडी कार्ड आर यूज बिकॉज दे आर लेस एक्सपेंसिव देन एडी कार्ड विच हैव सेपरेट एडीसी इनपुट चैनल। ठीक है, तो इन अ मल्टीप्लेक्स एडीसी सिस्टम अ सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट मल्टीपल सिग्नल्स फ्रॉम द एनालॉग टू डिजिटल डोमेन। दिस इज डन बाय मल्टीप्लेक्सिंग द एनालॉग सिग्नल वन एट अ टाइम। ठीक है, तो दिस बेसिकली लोअर्स द कॉस्ट, दिस इज द की पॉइंट हियर।
हमारे पास भी जो हम ऑर्डिनो के अंदर यूज करें वो हमारे पास एक मल्टीप्लेक्स एडीसी है, और इससे क्या है कि कॉस्ट कम हो जाएगी। एक ही एडीसी आपने लगाया है और आपने कह दिया जी ये 16 चैनल का है या 8 चैनल का है, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी कंप्यूटेशन के ऊपर, बिकॉज यू वॉन्टेड टू मेक अ स्मॉलर डिवाइस, यू वॉन्टेड टू मेक अ चीपर डिवाइस, और उसके लिए आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लेक्स कर दिया अपने एडीसी को। क्या आप मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं लेकिन किसी एक वक्त में आप किसी एक एडीसी की सिलेक्शन जो है वो कर रहे हैं, बिकॉज अगेन हमारी जो है वो एप्लीकेशन डिपेंड कर सकती है कि अगर हम लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर लगा रहे हैं उसके साथ जो हम बिल्ट इन दें सस्ता सा एडीसी दे दें जो मल्टीपल पिंस के ऊपर काम कर सकते हो। बट अगेन इफ यू वांट टू मेक अ हाई एंड प्रोजेक्ट देन वी हैव पर्टिकुलर एडीसी, हम एक एक पिन का एडीसी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ लोअर कॉस्ट एंड बट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिसाइसली अलाइन द सिग्नल ऑन द टाइम एक्सिस बिकॉज वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग वन सिग्नल एट अ टाइम, ठीक है। सो इन टूडे डेटा एक्विजिशन सिस्टम मल्टीप्लेक्स एडीसी सिस्टम्स आर एम्प्लॉयड प्राइमरली बाय लोअर एंड सिस्टम वेयर कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रिसीजन और स्पीड, ठीक है। हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर हम एक रोबोट के लिए यूज कर रहे हैं या हम एक लाइट जलाने के लिए या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कोई हमने किसी बल्ब की कंट्रोल करनी है फॉर अ कॉस्ट ऑफ लेट्स लेस देन 1,000, तो हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे और हम फिर सस्ते की तरफ जाएंगे रादर देन कि हम क्वालिटी। लेकिन अगर हम लेट्स से हम कोई मिशन क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हैं, हम कोई सिस्टम बना रहे हैं जो हेल्थ केयर से रिलेवेंट है, हम कोई सिस्टम बना रहे हैं जो एरोस्पेस से रिलेवेंट है, मिशन क्रिटिकल सिस्टम यही हमने बताए थे ना कि जिनकी वहाँ पे फेलियर जो है वो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, ठीक है। वहां पे हम जो है वो फिर पर्टिकुलर स्पीकिंग जो हाई एंड के एडीसीज होंगे, जो हाई एंड के आपके पास प्रोसेसर्स होंगे उनको हम यूटिलाइज करेंगे और हम उनसे अपना बेसिकली जो है वो आर्किटेक्चर बनाएंगे। तो फाइव टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पे हमारे पास एडीसी की। इनको आप इनकी जो थ्योरी देख लें कि क्या सिनेरियोज हैं, क्या चीजें हैं, आपको नाम कम से कम पता हो इन टोपोलॉजीज के, इनके प्रोज एंड कॉन्स पता हो, ठीक है। बाकी जो इनकी डिटेल्स हैं, इनकी डायग्राम्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इस कोर्स के स्कोप में नहीं है, ठीक है। आप जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको हाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है, डिटेल में जाना चाहें उसको चेक कर लें, ठीक है। लेकिन मेन सिनेरियो ये है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से जो है आप अपना एडीसी को सेलेक्ट कर लें, बिकॉज हर चीज को मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए आप तोप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सब चीजों का इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। आप कहें कि हर काम करने के लिए मैं बेस्ट सिस्टम लगाऊं और मैं उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम लगाऊं, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट इन द रियल इंडस्ट्री। रियल इंडस्ट्री में जब आपने मे बी 1 लाख चीजें बनानी है, मे बी आपने 10,000 चीजें बनानी है, एक एक डॉलर जो है वो भी आपका जो है ना वो मैटर कर रहा होगा। अगर एक चीज 1 डॉलर की है और एक चीज मे बी 1.75 डॉलर की है और आपने 1 लाख आइटम्स बनानी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिर उसे हिसाब से जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल इंजीनियरिंग करने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इस चीज को देखना पड़ता है कि कौन सी सिनेरियो है, कौन सी चीज है जिसको हम यूज करें और हम उसको यूज करके जो है ना वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास एडीसी टाइप में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का एडीसीज हैं जिसको हम एसएआर भी कह सकते हैं, गुड स्पीड रेजोल्यूशन रेशो, नो इनहेरेंट एनी एंटी अलियासिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन इसमें 18 बिट तक की है और मैक्सिमम सैंपल रेट इज 10 MHz, इट इज गुड इनफ। एंड बेसिक एप्लीकेशंस आर डेटा एक्विजिशन सिस्टम, देन वी हैव डेल्टा सिग्मा टाइप, हाई डायनामिक परफॉर्मेंस, इनहेरेंट एंटी अलियासिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें नहीं थी, ठीक है। हिस्टेरेसिस ऑन अननेचुरल सिग्नल्स, इसमें 32 बिट है लेकिन इसमें क्या है सैम्पल रेट कम है, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन, नॉइज एंड वाइब्रेशन, ऑडियोज के लिए ये आपके पास बेहतर रहते हैं। ड्यूअल स्लोप, एक्यूरेट, इनएक्सपेंसिव बट दे हैव लो स्पीड, पर्टिकुलर स्पीकिंग 20 बिट्स तक इनकी रेजोल्यूशन हो सकती है लेकिन अगेन स्पीड लो है, ठीक है। वोल्ट मीटर वगैरह के अंदर जो है वो इस तरह के यूज कर रहे हैं जो आपके पास रिलेटिवली लो कॉस्ट एलिमेंट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, वोल्टेज देखने के लिए मल्टीमीटर्स के ऊपर। लेकिन हाँ जब आप ऑसिलोस्कोप्स पे जाते हैं
फिर ये चीज चेंज हो जाएगी, लेकिन वोल्ट मीटर के लिए ये पर्टिकुलर स्पीकिंग या कोई ऐसी डिवाइसेज जो वोल्टेज को मेजर कर रही हैं उसके लिए ये जो है इट्स गुड एनफ। ठीक है, पाइपलाइन वेरी फास्ट, लिमिटेड रेजोल्यूशन अप टू 16 बिट, एंड 1 GHz तक इसकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है, एंड दीज आर बेसिकली यूज इन ऑसिलोस्कोप। एंड देन वी हैव फ्लैश बेस्ड एडीसीज व्हिच आर द फास्टेस्ट एडीसीज, बट अगेन लो बिट रेजोल्यूशन है इनकी, 12 बिट हैं ये, और ये दे कैन गो अप टू 10 GHz, 10 GHz, एंड दिस इज वेरी मच स्पीड फॉर एडीसी। ऐसी बात है, ये सिर्फ एडीसी अगर ये डाटा दे रहा है तो आगे इसको प्रोसेस करने के लिए आपको तो इसके साथ कंट्रोलर चाहिए होगा, वो भी इतना ही फास्ट चाहिए होगा। यू कैन नॉट से कि मैं फ्लैश एडीसी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेता हूँ और दूसरे एंड के ऊपर आप जो है वो 16 MHz का जो ऑर्डिनो है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी फिर बॉटलनेक हो जाएगी कि आप एक चीज बहुत ज्यादा फास्ट यूज करें और एक चीज आप बहुत ज्यादा स्लो जो है उसको यूज करें। ये कुछ इनकी पर्टिकुलर हैं, ब्लॉक डायग्राम्स हैं। ठीक है, इनके सर्किट्स के अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे होंगे बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज अ मॉड्यूलर कॉम्पोनेंट, लेकिन ये कि कम से कम इसको आप एक दफा पढ़ लें और इनको इनके नाम से आप वाकिफ होने चाहिए। ठीक है, ब्रेड एंड बटर एडीसी ऑफ द डैक वर्ल्ड इज द सार एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड इट ऑफर एक्सीलेंट बैलेंस ऑफ स्पीड रेजोल्यूशन एंड हैंडल्स अ वाइड वैरायटी ऑफ सिग्नल विद एक्सीलेंट फिडेलिटी। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास इसका इंटरनल सर्किट है जो इसके लिए इस काम को कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास इनपुट सिग्नल आपके पास आ रहा है और यहाँ से बेसिकली क्या आप उसका डिजिटाइज वर्जन जो है वो ले रहे हैं। तो प्रो कॉन इन्होंने दिए हुए, डेल्टा सिग्मा जो है वो बेसिकली नियर एडीसी इज बेसिकली डेल्टा सिग्मा विच टेक्स एडवांटेज ऑफ द डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एम्पलीट्यूड एक्सेस रेजोल्यूशन एंड रिड्यूस द हाई फ्रीक्वेंसी क्वांटाइजेशन नॉइज इन इनहेरेंट एसएआर डिजाइन। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ और इसके साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी कर दी है। ठीक है, कुछ डिफरेंस एम्पलीफायर इंटीग्रेटर्स कंपैरेटर्स, और इसके थ्रू ये जो बेसिकली क्या कर रहे हैं जो हमारे पास जो उसकी उसमें मसले थे उसको यहाँ पे जो है वो बेहतर तरीके से टैकल किया जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स पावरफुल डिजाइन ऑफ द डेल्टा सिग्मा मेक्स इट आइडियल फॉर डायनामिक एप्लीकेशन दैट रिक्वायर मच मोर एम्पलीट्यूड एक्सिस रेजोल्यूशन एज पॉसिबल, एंड दिस इज व्हाई दे आर कॉमनली फाउंड इन ऑडियो साउंड एंड वाइब्रेशन सिस्टम्स एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ हाई एंड डेटा एक्विजिशन एप्लीकेशन। सो प्रो कॉन्स इन्होंने उसी तरीके से इसके भी बता दिए। ड्यूल एडीसी सिस्टम्स आर एक्यूरेट बट नॉट टेरिबली फास्ट। द प्रिंसिपल वे दे कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू इज बाई यूजिंग एन इंटीग्रेटर। ठीक है, एंड वी सी के ये हमारे पास कुछ होते हैं ये जो मल्टीमीटर वगैरह है उनके लिए हमारे पास ये यूज हो रहे हैं, और इनकी जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कुछ हद तक इतनी ज्यादा नहीं है। फ्लैश एडीसीज आर फास्ट एंड ऑपरेट वर्चुअली विदाउट लेटेंसी विच इज वाई दे आर द आर्किटेक्चर ऑफ चॉइस व्हेन द हाईएस्ट पॉसिबल सैंपल रेट्स आर नीडेड। दे कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल बाय कंपेयरिंग इट विद नोन रेफरेंस वैल्यूज, एंड द मोर नोन रेफरेंस दैट आर यूज इन द कन्वर्जन प्रोसेस द मोर एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट अ फ्लैश एडीसी विद अ 10 बिट रेजोल्यूशन वी वुड नीड टू कंपेयर द इन कमिंग इनपुट सिग्नल अगेंस्ट 1024 नोन वैल्यूज, एंड इफ यू हैव एन 8 बिट तो हमें 256 वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास ये बहुत ही फास्ट है तो जाहिर सी बात है अगर हमारा नंबर भी बड़ा होगा तो फिर ये जगह भी बहुत ज्यादा ले रहा होगा। ठीक है ना, यानी स्पेस जितनी आप का बिट रेजोल्यूशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपको मेमोरी में भी स्पेस चाहिए होगी, और अगर आप इन कमिंग फ्रिक्वेंसी गीगा सैंपल्स में है तो फिर आपको बहुत ही फास्ट सिस्टम चाहिए होंगे जो इनको स्टोर भी आगे कर सके। सो दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट एडीसीज और उनकी डिफरेंट टाइप्स और उनका जो बेसिक दो पैरामीटर्स हमने देखे हैं, एक सैंपल रेट है और एक रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अब हम एडीसीज को देख रहे हैं या हमने एडीसीज कहीं सेलेक्ट करने हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यार हमें हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमें कितने बिट की रेजोल्यूशन चाहिए, हमारा इनकमिंग सिग्नल कितना फास्ट है ताकि हम उस हिसाब से अपने
एडीसी को चूज करें, और हम फिर जो है बेसिकली उसके अंदर अगर हमें आगे फर्दर देखना है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे एडीसी की फिर प्राइसिंग भी बन जाएगी, ठीक है, कि हम क्या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, फास्ट की तरफ जा रहे हैं, स्लो की तरफ जा रहे हैं, रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या लो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम इसको कंपाइल करके अपना जो भी हमारा सिस्टम बन रहा है सेंसर के साथ, क्योंकि सेंसर ने तो सिर्फ बेसिकली क्या है कि एनालॉग वैल्यू को लेना है और उस वैल्यू को उसने कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है वो हमारे पास हमारा एडीसी करेगा, और इससे आगे जो है वो जो भी हमारा कंप्यूटर बॉक्स होगा, माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है, या हमने कोई मे बी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपना कोई सिस्टम बनाया है, एफपीजीएस के थ्रू हमने कोई अपना सिस्टम बनाया है, तो उनको वो जो है वो पैरेलल डिजिटल वैल्यू या सीरियल डिजिटल वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद हमारी फर्दर प्रोसेसिंग, हमारे डिस्प्लेज, हमारी जो भी सिनेरियो चल रहे होंगे वो वहां से आगे चल रहे होंगे। तो इसको आप इस टॉपिक को आर्टिकल को देख लीजिएगा, इसी आर्टिकल के रेफरेंस से हम जो है वो जो हमारी असेसमेंट्स होंगी उनको हम देख लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो बुक के अंदर काफी आउटडेटेड हैं, और आई थॉट के ये वाला जो टॉपिक्स है इन्होंने काफी ब्रीफ से बनाए हुए हैं विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल, तो हम इन्हीं इसी को यूज कर रहे होंगे फॉर टॉपिक के जो हमारे पास आप कह लेंगे जो क्राइटेरियाज हैं, आप कम से कम आपको ये चीजें आनी चाहिए, बाकी यू कैन फर्दर सर्च द इंटरनेट और स्टडी बुक एज वेल, डू लेट मी नो कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेवेंट, जो आपको बात समझ नहीं आ रही या कुछ और ऐसी चीजें हैं उनको हम जो है ना वो फर्दर डिस्कशन के अंदर ला सकते हैं। इसमें हम एक चीज ये दे सकते हैं कि हम जो ऑर्डिनो के अंदर जो AVR 3280 ओनो को या हम 80 Mega 2560 को जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा एडीसी टेक्नोलॉजी है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक आप लोग मुझे और जाएं उसकी डाटा शीट देख लें, उसकी डाटा शीट में जाके मुझे कम से कम आप दो चीजें बता दें कि कितने बिट का एडीसी वहां यूज हो रहे हैं फ्रॉम द डाटा शीट, ठीक है, डाटा शीट लाजमी खोलनी जरूरी है, ठीक है, और आप मुझे बता दें कि उसका सैंपल रेट क्या है, ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपने इसके बाद, और टेक्नोलॉजी भी बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसकी डाटा शीट में डेफिनेटली गिवन है क्या फ्लैश यूज कर रहा है, SAR यूज कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे देख के जो है ना वो बता देना है, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह जो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं सिमुलेशंस को अपनी। थैंक यू।